हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी किचन में स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मुरमुरे के लड्डू, क्योंकि मकर संक्रांति आ रही है तो हमने सोचा कि चलो एक स्पेशल चीज़ बनाया जाए। तो हमने एक मुरमुरा लिया है और आधी किलो से 600 ग्राम करीब गुड़ है, और मुरमुरा थोड़ा हमने इसमें डोंगे में कम दिखाया और हमारे पास है एक्स्ट्रा थोड़ा सा, ये दो डोंगे हमारे पास मुरमुरे हैं। अब हम एक एक प्रोसेस कैसे बनाते हैं हम आपको दिखाते हैं। तो गुड़ का हमें पाक बनाना है तभी लड्डू बनेगा हमारा। इसे पानी डाल लें और जो गुड़ आपको दिखाया था वो गुड़ डाल लें। अभी देखिए हमारा जो गुड़ है, अभी देखिए हमारी चाशनी जो है तैयार हो गई एकदम। ये देखिए हमारी चाशनी एकदम तैयार हो चुकी है। और ये गुड़ को और मुरमुरे को अब क्या करेंगे, जो पानी थोड़ा सा ले करके ना हाथ में अपना चिपके ना हाथ में, और ऐसे अभी मैं तो थोड़ा वाइप का हेल्प ले रहा हूँ, तो पानी थोड़ा सा इसमें लीजिए। ऐसे देखिए ऐसे पानी लीजिए, लगाइए और हल्के से इसको ऐसे बांधिए टाइट हाथों से, टाइट से देखिए लड्डू तैयार। अब देखिए दोस्तों हमारा जो हमारा मुरमुरा था मैंने लड्डू बन गया है, और बड़ा मेहनत तो थोड़ा वाइफ का हेल्प लेना पड़ा हमें, हमारा लड्डू तैयार हो गया है। और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हमने ये बनाया, नहीं चलो मैं मकर संक्रांति है तो बच्चों के लिए थोड़ा मुरमुरे वाला लड्डू। गाँव में तो जो चिवड़ा होता था उसका भून के दादी जी बनाती थी, हमने शहर में क्या है कि मुरमुरे के लड्डू बनाने का प्रयास किया हम लोगों ने। तो दोस्तों अब हमारा जो मुरमुरे वाला जो लड्डू है लगभग बन के तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको स्टोर करके भी रख लेंगे, एक एक करके एक था तो खाया नहीं जाता, इसलिए हफ्ता इसलिए हमने मकर संक्रांति स्पेशल बनाया ये लड्डू। और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद। एकदम कुरकुरा बना दें, आप लोग ट्राई करिए, बाजार से परचेज करने की जरूरत नहीं, आप घर में थोड़ा सा प्रयास करिए आप भी बना सकते हैं। थैंक यू।